लेंगे और फिर हम जाएंगे एक्चुअल पटना झरना की तरफ। अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, हमें लगा एक ट्विन झरने आ गए थे रास्ते में, तो हमें लगा वही है। पर फिर हमने मैगी वाले भैया से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि जो पटना झरना है वो तो अभी बाकी है, अभी 20-25 मिनट का रास्ता है, तो अभी हम वहीं जाएंगे और फिर वहीं पर जाकर आपको दिखाते हैं। गाइज आप देख पा रहे हो हम कितने नीचे से ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। अगर आपके लिए इस जगह आकर सेल्फी नहीं ली और वीडियो नहीं बनाई तो कोई फायदा नहीं है इतनी ऊपर आने का। बहुत ऊपर चढ़ना है अभी भी, देखिए इतने ऊपर हम आ चुके हैं, बहुत ही मुश्किल और डिफिकल्ट रास्ता है गाइस। अभी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, देखो थोड़ा सा रास्ता बाकी है, बिल्कुल ऑलमोस्ट हिल के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम आए गाइस, इस रास्ते से बहुत ही नीचे से आए गाइस, ऑलमोस्ट पहाड़ के ऊपर हम अब आ चुके हैं पटना वाटरफॉल के लिए। फाइनली वी हैव मेड इट। हर बंदा यहाँ नहीं पहुँच पाया, बहुत बंदे रास्ते से वापस चले गए। देखिए ये है पटना वाटरफॉल की फाइनल लुक, बेहद ही अमेजिंग, खूबसूरत लोग। कुछ बहादुर लोग ही बस यहाँ तक पहुँच पाए हैं पटना वाटरफॉल ऋषिकेश। बहुत ही मुश्किल रास्ता, आप बेटू को इस वक्त आप नहाते हुए देख सकते हैं पटना वाटरफॉल के नीचे, बहुत ही अमेजिंग नज़ारा। वर्थ इट था गाइस, इतना मुश्किल रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ। इतने ऊपर हम आए हैं चढ़ के, ऑलमोस्ट पूरा एक पहाड़ के ऊपर, और फिर हमें ये मिला है जाके कहीं पटना वाटरफॉल। आप देख सकते हो सनलाइट भी डायरेक्टली आती हुई, और ये देखिए बेहद ही अमेजिंग खूबसूरत नज़ारा पटना वाटरफॉल का। लेकिन आप देख सकते हो बिल्कुल पहाड़ के टॉप से पानी गिरता हुआ, बहुत ही क्लीन और फ्रेश वाटर पटना वाटरफॉल। आप देख रहे हैं लाइव अपनी आंखों के आगे ऋषिकेश से डायरेक्ट। मेरे पीछे आप देख सकते हो पटना वाटरफॉल, पूरा एक पहाड़ चढ़ के आए इसी वाटरफॉल को देखने के लिए, और बहुत ही कुछ बहादुर लोग वो यहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि गाइस ये बिल्कुल हिल के टॉप पे, हर किसी के बस की बात नहीं है यहाँ तक पहुँचना। बहुत सारे लोग यहाँ से रास्ते से ही वापस लौट गए थे, बट हमने हिम्मत रखी और फाइनली हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल हम पहाड़ के ऊपर चढ़कर इस वक्त आ सकते आ गए गाइस। आप देख रहे हो मेरा मुंह भी बिल्कुल लाल हो चुका है, इतनी ज़्यादा चढ़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं था, बट ये वर्थ इट है। इतना खूबसूरत वाटरफॉल मैंने तो कम से कम लाइफ में पहली बार ही देखा, इतना बेहद बढ़िया और खूबसूरत वाटरफॉल। आप देख सकते हो बेटा तो नहाकर भी आ चुका है पटना वाटरफॉल के नीचे, मैंने आपको दिखाया था, और देखिए कितना ही बेहद ही अमेजिंग और खूबसूरत नज़ारा। हम आ चुके हैं हिल टॉप पे और पटना वाटरफॉल पे, आप देख सकते हो, और अब आप देख रहे हैं गाइस बिल्कुल पटना वाटरफॉल का रियल व्यू। मैंने तो कम से कम गाइस इतना सुंदर वाटरफॉल आज तक देखा नहीं है। आप देखिए कहाँ से हिल टॉप से पानी गिर रहा है, और बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल, बेहद ही अमेजिंग, बेहद ही खूबसूरत। यू लाइक अवर वीडियो ऑफ पटना वाटरफॉल, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ये पटना वाटरफॉल में ये मेरी शॉप है, इसके ऊपर जस्ट ऊपर मेरी मेरा गांव हो गया पटना वाटरफॉल का ना। और भैया ने बहुत ही अच्छी धुन बजाई है, आपने जैसे सुनी होगी। हाँ ये और भैया के रेस्टोरेंट में यहाँ पे आप आ सकते हो, ये रहा पीछे ही है ये रहा। और भैया ने सारी बोतलें इकट्ठे करके साफ करके रखते हैं और गढ़वाली धुन भैया ने बजाई है। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और भैया को अपलोड करिए। बाय बाय गाइस, चिड़िया बोल रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितना खूबसूरत नजारा है गाइस पहाड़ में, देखिए आप। हम हैं अभी पटना वाटरफॉल्स में और पूरा पहाड़ चढ़ के आए हैं, ऑलमोस्ट पहाड़ की चोटी पे हैं गाइस। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। आपके लिए बहुत मेहनत करी हमने, बिल्कुल खतरा लेके ये वीडियो जो है शूट कर रहे हैं बिल्कुल पहाड़ के ऊपर। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।